पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए अभी आप लोगों ने देखा बहुत ही अच्छे और खुशनुमा माहौल में ईद का त्यौहार है आज और लोगों ने अपनी नमाज अदा की है। पहले की तरह इस वक्त किसी रोड पे कोई नहीं बैठा, सब लोगों से जो सहयोग मांगा गया था सब ने सहयोग किया और दो शिफ्ट में हम लोगों ने इस बार ईदगाह में नमाज की है। कुछ लोगों ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, सबका बहुत धन्यवाद। थोड़ी बहुत असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों को उनसे ये अनुरोध करना पड़ा था, लेकिन शहर के सभी लोगों ने जो बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग किया है उसके लिए सब हृदय से सबको दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही ईद की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। क्या कहीं कोई लोकजोक वगैरह? नहीं नहीं, लोगों से जहाँ भी लोगों को रोका गया था उनको कहा गया थोड़ा वेट करिए, सब लोगों ने धैर्य से प्रतीक्षा किया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरीके? हम लोगों ने अपनी 3 लेयर व्यवस्था की थी, 3 जगह बैरियर्स अलग अलग दिशाओं में लगे थे कि अगर ईदगाह भर जाएगा तो थोड़ी देर के लिए लोगों को होल्ड किया जाएगा, उनको रोका गया, लोगों ने हमारा सहयोग किया। सर जी आज ईद की नमाज हुई है मुरादाबाद में, 2 हिस्सों में नमाज हुई। देखिए शासन की गाइडलाइंस थी कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए और शासन की गाइडलाइंस का हम सब लोग पालन करते हैं, ज़िला प्रशासन पालन करता है। बहुत अच्छे तरीके से नमाज हो गई, शांति के साथ हो गई। ईद की खुशियां हम एक दूसरे से बांटते हैं और मेरी तरफ से भी आपके माध्यम से सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आप इस गाइडलाइन से सहमत हैं? देखिए ये शासन की आज ये है, कल हो सकता है कुछ और हो। तो मतलब हम क्या माने फिर इस आपके इस बयान को, हम किस तरीके से? अब आप मुझसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं, अपने अल्फाज मेरी जबान में क्यों डाल रहे हैं? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस गाइडलाइन से जिस तरह से ईद की नमाज इस बार 2 बार आप देखिए ये शासन की गाइडलाइन को फॉलो करना हम सबका कर्तव्य है। इसके अलावा सांसद जी जो रामपुर से सपा का प्रत्याशी है भाईबुल्ला, वो आज़म खान से मिलने को दूरी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज़म खान से अब मैं नहीं मिलूंगा, मेरे पे इतना टाइम नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई ये रामपुर का सवाल यहाँ मत करो, गेट खोलो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।